स्कूली पाठ्यक्रम में लगातार हो रहे बदलाव के साथ सियासी आरोप भी तेज हो गए। जहां पहले अकबर और साथ ही महाराणा प्रताप को लेकर दोनों ही प्रमुख पार्टियों की ओर से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी था, तो वहीं अब वीर सावरकर को लेकर पाठ्यक्रम में बदलाव, आठवीं अंग्रेजी की किताब में जौहर के पेज को हटाने और साथ ही दुर्ग की फोटो लगाने को लेकर विवाद तेज हो गया। इसी के साथ 12वीं कक्षा की गणित की किताब में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। इस सब को लेकर सूबे के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पहले भाजपा पार्टी ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पाठ्यक्रम में शामिल किया था और इसी के चलते शिक्षाविदों की ओर से सही इतिहास को संशोधित करने का काम किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षाविदों की रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में अंतिम फैसला लिया जाएगा। और उसमें इस तरह की बातें लिखवा दी गई जो इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं है या इतिहास से विपरीत है। वो इसलिए किया गया कि इनको आरएसएस से इशारा मिला और भारतीय भवन से, और इन्होंने उसको खुश करने के लिए गलत रूप से तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया। जब हमारी सरकार बनी तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम की समीक्षा होनी थी, तो समीक्षा के लिए शिक्षाविदों की समिति बनाई।